गोरखनाथ मंदिर में जो श्रद्धालु हैं वो श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, और ऐसे यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट इनको छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ से लेके जाएगा और भगवान गोरखनाथ के दर्शन पूजन कराएगा। और अब हम आपको लेके चलते हैं धर्म नगरी अयोध्या, जहाँ पे सपना मौजूद है और सपना वहाँ के आंखों देखा हाल आपको बताएंगी। सपना, मैं नागेश्वर नाथ मंदिर है यहाँ पर मौजूद हूँ, और क्योंकि आज मकर संक्रांति है तो लोगों की देखिए अच्छी खासी संख्या है। हमारे साथ पुजारी जी हैं, उनसे मैं बात करती हूँ। जरा आप बताएंगे आज मकर संक्रांति के दिन कैसे यहाँ पर लोगों की भीड़ दिख रही है और क्या विशेष महत्व? देखिए, मकर संक्रांति का पर्व जो है, ठीक है ना, सूर्य भगवान आज धनु राशि मकर राशि में गोचर करेंगे। तो आज जो है, आज से उत्तरायण प्रारंभ हो जाता है। आज के बाद जिन लोगों का मोक्ष होता है, जिन लोगों की मृत्यु होती है, उनको स्वर्ग डायरेक्ट प्राप्त होता है। नहीं तो स्नान और दान का जी आज विशेष महत्व है, स्नान और दान का बहुत विशेष। आपको भी दान मिल गया साथ ही साथ है? नहीं, हमको नहीं, ये तो प्रभु का है, हमारा कुछ नहीं है इसमें। इससे पहले इतनी संख्या होती थी या जब से अयोध्या नया बना है तब से इतनी संख्या? तो और ज्यादा ही संख्या होती थी, इस समय प्रतिबंधों के चलते काफी कम लोग आ पा रहे हैं। ये जरा तस्वीर दिखा दे किशन, क्योंकि नागेश्वरनाथ मंदिर है और इसका भी बड़ा महत्व है। सरयू के तट से लगा हुआ ये मंदिर और बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। एक बार जोर से आप बोल दीजिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव। कितने खुश हैं नई अयोध्या देख के? बहुत खुश हैं। एक बार जोर से आप लोग जयकारा और भजन जय श्री राम। क्या परिवर्तन हो रहे हैं राशियों में? अगर हम देखें तो आप जो बता रहे हैं कि देखिए आज सूर्य भगवान दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाएंगे। दक्षिणायन से उत्तरायण जी का मतलब देखिए, भीष्म जी ने सरल भाषा में कहें, हाँ। भीष्म जी को जब इतने बाण लगे थे उसके बाद भी उन्होंने प्राण का त्याग नहीं किया, इसलिए क्योंकि उस समय सूर्य दक्षिणायन में थे। उस समय मरने के बाद भी आपको सूर्य के उत्तरायण होने तक का इंतजार करना पड़ता है आपको स्वर्ग जाने के लिए। उत्तरायण में क्या एक खास वो होता है सूर्य का, जो उसका इंतजार करना पड़ता है? नहीं देखिए, सूर्य उत्तरायण होने से आपको मोक्ष की प्राप्ति तत्काल हो जाती है। और हर मास खत्म हो रहा है इसीलिए स्नान जी 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 स्नान महत्वपूर्ण। और इस मंदिर की विशेषता? देखिए, इस मंदिर की स्थापना सूर्य राम जी के जो पुत्र थे कुश जी महाराज, हाँ। उन्होंने की थी। अच्छा, उनके पुत्र। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण मंदिर है ये, कि जो पुत्र थे राम के कुश, उनकी ओर से यहाँ पर ये शिवलिंग स्थापित किया गया था। हमारे साथ रवि भी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं बनारस से, और बनारस बड़ा खास है आज के दिन, उनका रुख करते हैं। रवि, बनारस में तो श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ होगा गंगा के तट पर, जरा तस्वीरें दिखाइए। जी बिल्कुल, देखिए ये मोक्ष नगरी और स्नान को लेकर के यहाँ पे खासा महत्व माना जाता है, और दूर दराज से लोग यहाँ पर स्नान करने आते हैं। 80 घाट से लेकर के दशाश्वमेध घाट और दशाश्वमेध घाट से लेकर राजघाट तक हजारों की संख्या में ब्रह्म मुहूर्त से ही यहाँ पर स्नान शुरू हो गया। हम दो तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि 80 घाट पर एक तरफ हजारों की संख्या में लोग इस ठंड में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और माँ गंगा से कामनाएं कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। सूर्य उत्तरायण हो चुका है, मोक्ष काल है, और इस वक्त जो डुबकी लगाता है उसको महापुण्य की प्राप्ति होती है। और इसी विश्वास के साथ दूर दराज से लोग पश्चिम बिहार समेत पूर्वांचल और मध्य प्रदेश तमाम देश के कोने कोने से लोग वाराणसी में आकर के स्नान करते हैं। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि गंगा में स्नान करने के बाद यहाँ पे हजारों की संख्या में जो महिलाएं हैं वो बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ा रही हैं। कुछ हजारों की संख्या में विश्वनाथ मंदिर में जाकर के लाइन लगे हुए हैं। ब्रह्म मुहूर्त काल से ही मंगला आरती के बाद से लोग वहाँ पे दर्शन कर रहे हैं, और दूर दराज से लोग आकर यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। कहाँ से आए स्नान करने आप? देखिए बगल से आ रहे, क्या महत्व आज का स्नान का? लोग गंगा में दूर दूर से आते हैं। गंगा का मकर संक्रांति का महत्व तो बहुत ज्यादा। क्या आज 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 आपने क्या कामना की? आज हमने कामना नहीं कुछ नहीं किया, हम लोग आते हैं, हर साल आते हैं और गंगा जी में स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और चले जाते हैं। तो अपनी अपनी आस्था लेकर के लोग यहाँ पर आते हैं। और दूसरी देखिए अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ पर इतने ठंड होने के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में लोग गंगा में स्नान करने के बाद यहाँ पर आकर भोलेनाथ की जो शिवलिंग है उस पे अपना जल अर्पित कर रहे हैं। और एक आस्था के साथ हमारे देश का यही परंपरा है, ये मेरा भारत देश है, इसमें चाहे कितना भी ठंड पड़े लेकिन धर्म से कोई वंचित नहीं होता है, अपने धर्म के सब पालन करता है। ये हमारा सबके लिए यही दुआ है कि भगवान के चरणों में प्रेम करो, उनके सिवाय कहीं रास्ता नहीं है।
बोलो देखिए जय गंगा मैया की जय और हर हर महादेव के जयकारे से यहाँ पर बनारस का जो कोना कोना है उसमें गुंजायमान हो रहा है और माँ गंगा से लोग स्नान कर बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाकर जो अपनी जो मनोकामनाएं हैं उसको पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके चरणों में अपना सिर अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। बिल्कुल बनारस की तस्वीरें बहुत खास हैं। एक बाबा मेरे साथ बार बार घूम रहे, कह रहे मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, गाना चाहता हूँ, पहले गा के जल्दी। जब से राम प्रताप खगेशा उदित भाए अति प्रबल दिनेशा, उदित भाए अति प्रबल दिनेशा। और आप कहाँ से हैं? हम जो गोंडा से आए हुए हैं, अयोध्या में रहते हैं। नजदीके वाले हैं आप? जी जी, हम कहा लगीचे वाले हैं, काठिया मंदिर में रहते हैं हम। नगीचे वाले हैं आप? कहाँ से आए हैं? हम राजस्थान भील वाले से। भीलवाड़ा से बहुत दूर से आए हैं। कैसा लगा अयोध्या? बहुत अच्छा, आते बराबर सुंदर लगा, बहुत अच्छा सुंदर बना। इमाई देखिए पूजा कर रही हैं, गाना गा रही हैं। इमाई अभी आपको सुनाई भी थी, हम ये बता रहे हैं आपको अपना अनुभव साझा आपके साथ अगर करें अपने दर्शकों के साथ कि यहाँ आने के बाद हमको कोई ऐसा प्रयास नहीं करना पड़ रहा कि हम राम की बातों को कहें या आपको समझाएं, अपने आप मुख से जैसे लगता है सरस्वती बैठ गई खुद चीजें बोल रही है। यतेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। यतेंद्र, मैं यहाँ नागेश्वर नाथ मंदिर की तस्वीरें दिखा रही हूँ। अभी भी लोग जैसे जैसे दिन बढ़ रहे लोग पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए। देखिए बिल्कुल जिस तरह से सूर्य की रोशनी बढ़ती जा रही है, इनके मकर राशि में सूर्य प्रवेश कर रहे हैं, उसी तरह से श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं जो सरयू घाट 6 डिग्री का टेम्परेचर है, लेकिन इसके बावजूद भी श्रद्धालुओं का आना जारी है। हालांकि प्रतिबंध काफी लगे हुए हैं अयोध्या में सिक्योरिटी की दृष्टि से, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के चलते इस वजह से बड़ी रोक टोक है, इस वजह से थोड़ा कम संख्या है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी इस टेम्परेचर में अगर लोग आ रहे हैं तो समझ सकते हैं कि किस तरह से श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। हमारे साथ जो अयोध्या आश्रम है वहाँ के शिष्य हैं, बच्चे हैं जो यहाँ पर अपनी शिक्षा दीक्षा कर रहे हैं। कौन से आश्रम से हैं? श्री राम आश्रम से हैं। तो क्या किस तरह का मंत्र आप लोगों ने स्नान किया यहाँ पर? मंत्र पूजा किस तरह से करते हैं? मंत्र पूजा जैसे मानसिक पूजा आती है मंत्र, अब जब स्नान किया तो हमने अपना शुद्धिकरण किया, जैसे हम मंत्र बोलेंगे ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्था इस मंत्र से हमने स्नान किया एवं सूर्य को अर्घ दिया। ओम आ कृष्ण न रजसा वर्तमानो निवेशयन्न मृतम मृतियंचा हिरण्य एन रतन देवो जाति भुवनानि पश्यन्न। और सभी यात्रियों का जो छोटे छोटे भी हैं, क्या आप लोग भी मंत्र पढ़ते हैं? जी। कौन सा सुनाइए? ओ मा पवित्र पवित्र वा सर्वावस्था गतो विवा या स्मरेत मंडलिका चा सभा व्यावं तरसिति ओ मंडलिका चा पुनात पुनात पुनात। अच्छा, भजन भी कुछ सीखे होंगे आपने? भजन तो मंत्र खाली सीखे। कौन सा? स्वस्ति वाचन। हरे ओम मा स्वस्ति न इंद्र विलासवा स्वस्ति न भूखा विश्ववेदा स्वस्ति न स्तारक्षो वारिष्ठरे स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु पिता स्वाहा आप स्तुति मंत्र सुन सकते हैं। श्री राम आश्रम के ये शिष्य हैं जहाँ पर अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं और सरयू नदी में स्नान मकर संक्रांति के पावन पर्व पर ये स्नान कर आए हैं और मंत्र पूजा करके स्नान आदि करके और अपने आश्रम को जाएंगे और प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी इन लोगों की उपस्थिति रहेगी। मैं जो सरयू तट है वो दिखा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर हमारी सहयोगी मोनिका भी है। मोनिका आपको आगे का हाल बताएंगी। बिल्कुल, देखिए यतेंद्र तस्वीरें
तस्वीरें और आप लोग देखिए, जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों की तादाद भी इस पूरे घाट में बढ़ती हुई नजर आ रही है। दूर दराज से लोग जो है वो आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए अब जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे ठंड और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है और तमाम लोग जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कुछ परिवार है जिन्होंने नहा लिया, आपने स्नान कर लिया? बिल्कुल बिल्कुल। जय सिया राम। जय सिया राम। और बताइए, स्नान कर लिया? आनंद है, बस आप लोग भी स्नान कीजिए। अयोध्या में आए, ये राम जी ही बह रही है, राम जी ही जो है ये द्रव के रूप में राम जी ही बह रही है और इसमें डुबकी लगाइए, यही जीवन का फल है। देखिए यही जीवन का फल है और सपना भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। जी सपना, आप क्या तस्वीरें दिखाइए दिखाएंगी? देखिए लोगों की आस्था जो है आज ठंड पर भारी पड़ रही है। मोनिका, मैं एक माता जी से मिलवाती हूँ। ये 30 सालों से मौन थी और अब इन्होंने प्रण लिया था कि राम मंदिर बन जाएगा तब बोलना शुरू करेंगी। 22 तारीख के बाद ये बोलेंगी, लेकिन उनके पुत्र हमारे साथ हैं। क्या नाम भाई है? भाई इनके भाई हैं, पवन अग्रवाल मेरा नाम है। और माता जी सर हिला के बताइए, खुश हैं? कितने खुश हैं? बहुत खुश हैं। अच्छा, 30 सालों से नहीं बोल पाई हैं आप, अब बोलेंगी। सबसे पहले क्या बोलेंगी? जय सिया राम। एक बार नाच के दिखा दीजिए आप, तो आपका भाव यही है। आहा, सीताराम 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 सीताराम। ये भाव है, ये माता जी 30 सालों से बोल नहीं पाई है। इनका प्रण था कि जब राम मंदिर बन जाएगा तभी बोलेंगी। नाम इनका बड़ा दिलचस्प है, इनका नाम है सरस्वती और सरस्वती का मतलब कि आप बहुत अच्छा बोले, लेकिन ये बोल ही नहीं रही है। ये कह रही है जब बोलूंगी तब अच्छा बोलूंगी और सीताराम ही बोलूंगी। ये 1992 से मौन है, करीबन 30 साल हो गया मौन है। हाँ। इनके गुरुजी अयोध्या में थे। अगर नहीं बनता मंदिर माता जी क्या करती? मौन रहती, ऐसे ही चली जाती। जब तक नहीं बनता तब तक। इसे कहते हैं ना कि आप राम के दूत बन जाइए तो आपका सब काम होगा ही, देर से सही लेकिन होगा जरूर। मोनिका, ये देखकर वाकई हम भी भाव विभोर है कि ऐसे भी लोग हैं।